हेलो एवरीवन। हाँ जी, आज हम यूनिट स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हाँ जी, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है और बहुत ज्यादा इजी यूनिट है। तो हम बोल सकते हैं कि फ्री के नंबर है, ठीक है। इस यूनिट में क्या होंगे, फ्री के नंबर होंगे और आपके एकेडमिक लेवल के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट यूनिट रहेगी, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम करते हैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल। मेटल क्लियर, सबको पता है मेटल क्या होता है। मेटल होता है सेंट्रल मेटल एटम, एक सेंट्रल एटम होगा, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम, एक सेंट्रल एटम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, और उस सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगी, वैकेंट डी ऑर्बिटल होगी, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा था लास्ट यूनिट में ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट भी क्या होंगे, मेटल्स होते हैं और उनके पास भी क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, क्लियर है। और वो किस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, वो स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट, यहां पर बात होगी लिगेंड्स की। लिगेंड्स, हाँ जी, पहले भी हमारी बात हुई है, लिगेंड्स होते हैं द आयंस और मॉलिक्यूल, द आयंस और मॉलिक्यूल, वो आयंस या मॉलिक्यूल, न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल, विच डोनेट्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच डोनेट्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, ठीक है, उसको हम लिगेंड बोलते हैं। जैसे NH3 है, इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता था और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता था, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि NH3 अपना बॉन्ड पेयर दे सकता है, ठीक है, डोनेट कर सकता है किसी भी दूसरे एटम को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोल देंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, लिगेंड बोल देंगे, क्लियर। हाँ जी, जैसे अभी हमने पढ़ा, हमारे पास क्या होता है, एक मेटल होता है, जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, ये इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, क्लियर है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है। एक लिगेंड होगा, एल से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो नेगेटिव आयन भी हो सकता है, वो पॉजिटिव आयन भी हो सकता है, ठीक है, और वो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्लियर है। वो अपने जो लोन पेयर है या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देगा, डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। और जो बॉन्ड बनती है, ठीक है, वो किस तरह की बॉन्ड बनती है, जो बॉन्ड बनती है लिगेंड और मेटल के बीच, ठीक है, वो किस तरह की बॉन्ड बनती है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनती है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन उसने क्या किए हैं, शेयर किए हैं, ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया है या डोनेट किया है तो कौन सी बॉन्ड बनती है, डेटिव बॉन्ड बनती है या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा, व्हेन मेटल एटम इज लिंक्ड विद द लिगेंड एटम, ठीक है, विद द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो एक बार इसको डिफाइन कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम
सेंट्रल मेटल एटम इज अटैच्ड, सेंट्रल मेटल एटम इज अटैच्ड अटैच्ड विद द नंबर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है, विद द नंबर ऑफ लिगेंड्स, विद द नंबर ऑफ लिगेंड्स विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, विद कोऑर्डिनेट या बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्लियर? हाँ जी, मतलब वो कंपाउंड जिनमें सेंट्रल एटम अटैच होता है लिगेंड्स के साथ, ठीक है, अटैच होता है लिगेंड्स के साथ, और जो लिगेंड्स होते हैं वो आयंस भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस मीन्स वो एनायन भी हो सकते हैं और कैटायन भी हो सकते हैं, जिनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम अटैच होगा लिगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। जैसे NiCO4, NiCO4, क्लियर, ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। इसमें जो निकल है वो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, इसमें जो निकल है वो सेंट्रल मेटल एटम होगा, ठीक है, और इसमें जो कार्बोनाइल है CO कार्बोनाइल है वो क्या होगा, लिगेंड होगा, ठीक है। इस तरह से हम डिनोट करते हैं किसको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट बात हम करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, ठीक है, वो ब्रांच केमिस्ट्री की जो डील करती है, जो स्टडी करती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक, द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, जो स्टडी करवाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, किस किस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, हाँ जी, या फिर बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, टाइप्स, तीन तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे हमारे पास, नंबर फर्स्ट कैटायनिक, कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हाँ जी, नंबर सेकंड एनायनिक, एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्लियर है। नंबर थर्ड न्यूट्रल, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, समझे, एक तो कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, तीन तरह के हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, ठीक है। इफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सबसे पहले कैटायनिक की बात करते हैं, इफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैरीज, कैरीज नेट पॉजिटिव चार्ज, कैरीज नेट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्लियर है। जैसे एग्जांपल है CO
NH3 का 6 और ओवरऑल चार्ज है पॉजिटिव 3, क्लियर है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसके ऊपर चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है, प्लस 3 या फिर मैं बोल सकता हूं पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव या फिर कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्लियर। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा, इफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैरीज नेट नेगेटिव चार्ज, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैरी करता है नेगेटिव चार्ज को, क्लियर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे Fe Cn6 नेगेटिव 4, ठीक है, ये हमारा क्या है, एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। AgCn का 2 negative 2, ये भी हमारा क्या है, एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर नेट जो चार्ज है वो क्या है, माइनस है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्लियर। नेक्स्ट है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, न्यूट्रल को हम बोल सकते हैं द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैरीज नो नेट चार्ज, कोई भी चार्ज वो कैरी नहीं करता है, ना तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और ना ही नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम उसको बोलते हैं। जैसे NiCO4 अभी हमने किया था, NiCO4 इसके पास 0 चार्ज है, मींस कोई भी चार्ज इस पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। जैसे CONH3 का 3 Cl3, क्लियर है, ये भी हमारे पास, इसके पास भी ओवरऑल चार्ज क्या है, 0 है, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच डिफरेंट। तो सबसे पहले तो डबल साल्ट होता क्या है, डबल साल्ट होता क्या है, ठीक है, डबल साल्ट होता है, दीज आर द मोलिकुलर कंपाउंड्स विच डिसोसिएट कंप्लीटली, ठीक है, ये क्या होंगे, मोलिकुलर कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर द मोलिकुलर कंपाउंड्स विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू इट्स आयंस, ठीक है, जो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डबल साल्ट बोलते हैं। जैसे पोटाश एलम, क्लियर है, जिसको हम फिटकरी भी बोलते हैं, क्लियर है, पोटाश एलम क्या होता है, पोटाश एलम होता है हमारे पास पोटाशियम और एल्यूमिनियम सल्फेट का मिक्सचर, ठीक है, पोटाशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट, क्लियर, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटाश एलम, ठीक है। हाँ जी, फॉर्मूला होगा K2SO4 AL2SO4 का थ्राइस 24H2O, क्लियर है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटाश एलम, समझे, फिट करी, क्लियर है, K2SO4 AL2SO4 का थ्राइस 24H2O। हाँ जी, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है किसमें, इसके आयंस में, 2K पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव 2 प्लस 2 Al पॉजिटिव 3, हाँ जी, 3 SO4
नेगेटिव टू और 24H2O, ठीक है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है, अपने आयंस में। तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा डबल साल्ट, ठीक है, डबल साल्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोर साल्ट, एक और एग्जांपल लेते हैं मोर साल्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, वाइवा में पूछा भी जाता है, ठीक है। मोर साल्ट क्या होता है, मोर साल्ट होता है हमारे पास फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है, हाँ जी, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो FeSO4.NH4 का ट्वाइस, ठीक है, अमोनियम होता है NH4 पॉजिटिव, NH4 का ट्वाइस SO4.6H2O, क्लियर, ये हमारा होता है मोहर साल्ट, कॉमन नेम इसका क्या होगा, मोहर साल्ट। ये भी क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में, ठीक है। तो ये होगा Fe पॉजिटिव 2 SO4 नेगेटिव 2, हाँ जी, 2 NH4 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव 2 प्लस 6H2O, क्लियर है। ये भी क्या होगा, हमारा डबल साल्ट होगा जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो सकता है, ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो सकता है, क्लियर, हाँ जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होंगे, विच डजंट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस, ठीक है, जो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, द मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स विच डजंट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू इट्स आयंस, ठीक है, जो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते अपने आयंस में, उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। जैसे हम बात करते हैं K4FeCN का 6, ठीक है, K4FeCN का 6, ठीक है, हाँ जी, ये डिसोसिएट हो जाएगा 4K पॉजिटिव में प्लस FeCN का 6 नेगेटिव 4 में, ठीक है, यहां तक ये डिसोसिएट हो सकता है, आगे फर्दर ये डिसोसिएट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, क्लियर है, हाँ जी। तो एक बार ओवरऑल हम इसमें डिफरेंस कर लेते हैं डबल साल्ट में और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, हाँ जी, ओवरऑल डिफरेंस, डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में अंतर, ठीक है, डिफरेंस। सबसे पहले तो यही है, नंबर वन, इट कंसिस्ट टू सिंपल साल्ट इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, इट कंसिस्ट टू सिंपल साल्ट इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन मींस इसके पास दो साल्ट होते हैं जिनकी अमाउंट क्या होगी, इक्वल होती है, ठीक है, हाँ जी। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, द सिंपल साल्ट फ्रॉम विच दे आर फॉर्मड मे और मे नॉट बी इक्विमोलर, द सिंपल साल्ट फ्रॉम विच दे आर फॉर्मड जिससे ये बनते हैं मे नॉट बी इक्विमोलर, वो इक्विमोलर प्रोपोर्शन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्लियर है, हाँ जी। ये एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में, दे एग्जिस्ट ओनली इन
सॉलिड स्टेट, ये एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में, ठीक है। हाँ जी, एक्वा स्टेट में इन एक्वा स्टेट ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो सकते हैं, हो जाते हैं। इन एक्वा स्टेट इट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस, ये अपने आयंस में पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं, इट एग्जिस्ट, हाँ जी, सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं एज वेल एज एक्वस स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं और एक्वस स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पूरी तरह से टूट जाते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। दे लॉसेस इट्स आइडेंटिटी, ठीक है, क्योंकि पूरी तरह से ये टूट जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये पूरी तरह से नहीं टूटते तो मैं लिख सकता हूं दे रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी, ये अपनी आइडेंटिटी को दोबारा रिटेन कर सकते हैं, क्लियर है। हाँ जी, ये क्या करेंगे, जो मेटल आयन होते हैं शोज नॉर्मल वैलेंसी शो करते हैं, नॉर्मल वैलेंसी। जैसे बात हुई थी SO4 -2 शो किया था, Fe +2 शो किया था, ये इनकी क्या है, नॉर्मल वैलेंसी होती है, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। लेकिन हाँ जी, इट शोज दो तरह की वैलेंसी शो करते हैं, इट शोज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, ये दो तरह की वैलेंसी शो करते हैं। नंबर फर्स्ट प्राइमरी वैलेंसी, नंबर सेकंड सेकेंडरी वैलेंसी, क्लियर है। दो तरह की वैलेंसी शो करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। इनको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल से हम इसको वर्नर थ्योरी में डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, तो आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से इसको पढ़ते रहिए स्टार्टिंग से ही, ठीक है। थैंक यू फॉर ऑपरेशन।